भागलपुर के बहुप्रतीक्षित भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण की कवायद अब शुरू हो गई है। बिकनपुर गुमटी नंबर 3 से मिर्जानहाट शीतलास्थान चौक तक बनने वाले 1390 मीटर लंबे फ्लाईओवर निर्माण की कड़ी में सोमवार को शीतलास्थान चौक से भोलानाथ पुल तक सभी जगह एजेंसियों के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे आम लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं निर्माण कार्य में व्यवधान न पड़े इसके लिए रेल ओवर ब्रिज के समीप जगह जगह टिन शेड लगाकर वाहनों के आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले सभी वाहन चालकों और आम लोगों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। एक और जहां भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होने से विशेषकर इस मार्ग से आवागमन करने वाले और भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है, वहीं वैकल्पिक मार्ग की समस्या के कारण कई लोगों को शहर में आने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। बताया जा रहा है कि 9 से 19 अक्टूबर तक शीतलास्थान चौक से बौंसी पुल रेलवे अंडरपास इशाक चक तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, जिस कारण सभी तरह के वाहन के परिचालन पर रोक रहेगी, जबकि इस दौरान लोगों को वैकल्पिक मार्ग से ही परिचालन करना होगा। बताया जा रहा है कि पटेल चौक और बिकनपुर की ओर से मिर्जानहाट की ओर जाने वाले वाहनों को भोलानाथ पुल के बाद इशाक चक, विषहरी स्थान, लालू चक अंगारी, कुम्हार टोली और गोराडी मार्ग होकर जाना होगा, जबकि शीतलास्थान की ओर से भिकनपुर और कचहरी चौक जाने वाले सभी वाहन को सिकंदरपुर, पानी टैंकी, गुरट्ठा चौक और लोहिया पुल के रास्ते परिचालन करना होगा। बता दें कि इस दौरान बिजली के पोल की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है, जबकि इससे पूर्व ही इस मार्ग में नाला निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिलने पर परेशान भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। इसको लेकर पोस्टमार्टम भवन में कार्यरत कर्मी मानिक लाल मलिक ने बताया कि पिछले 9 महीने से उन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिससे उन सभी की माली हालत काफ़ी खराब हो गई है। कर्मियों का कहना है कि दशहरा त्यौहार आ रहा है, जबकि वेतन नहीं मिलने पर पहले से ही दुकानदार का उधार चुकाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में वे सभी अपने परिवार के साथ पर्व त्यौहार कैसे मनाएंगे, इसकी भी चिंता उन्हें सता रही है। साथ ही पहले का बकाया होने के कारण अब तो दुकानदार भी राशन देने में कोताही करने लगा है। वहीं इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि कर्मियों के बकाया भुगतान से संबंधित फाइल जिलाधिकारी को भेज दी गई है और जल्द ही कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टमार्टम के कार्य करता हूँ। मुझे 9 माह से वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और बीच में दशहरा है, दीपावली है, छठ आने वाला है, इसमें खर्च है, धियापुता के कपड़ा लत्ता देना है, हम कैसे इसका अथी करेंगे, अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया गया। इससे पदाधिकारी से बात हुई थी, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ने जिला पदाधिकारी के पास फाइल भेज दी है, लेकिन जिला पदाधिकारी से अभी तक फाइल लौट के नहीं आया है, जिसके चलते हम लोगों को पेमेंट नहीं। क्या मिलने के लिए गए थे जिलाधिकारी? हाँ, जिलाधिकारी से मिले हैं, इसके बाद अनुमंडल भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना यहाँ नहीं दिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर पंचायत दियारा क्षेत्र में 2 माह पूर्व भैंस चराने के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं इस मामले में एक पक्ष के पीड़ित मोनी देवी और उसके पति राकेश कुमार सिंह ने इस केस में सुल्तानगंज थाना के SI अनीश पर गलत रिपोर्ट डायरी में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। राकेश कुमार ने कहा कि केस में गवाह का नाम रंजन कुमार और नंदन कुमार दर्ज किया गया, जिसका घर घटनास्थल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वह मारपीट के दौरान घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था। साथ ही राकेश ने सुल्तानगंज थाना के SI अनीश बिहारी के द्वारा केस में गलत गवाह का नाम देने को लेकर पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष से पैसे के लेन देन का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर कार्रवाई के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा सुल्तानगंज थाना के अलावा भागलपुर DIG, SSP और DSP को भी आवेदन दिया गया है, जबकि कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर बिहार DGP को भी राकेश सिंह द्वारा आवेदन भेजा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देने के बाद 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ित परिवार में भय का माहौल व्याप्त है। आज से 2 महीना 7 दिन पहले भैंस चराने के लिए गया था, भैंस चराने के क्रम में जो है मार हुआ। कहाँ? दीरा में। कौन दीरा? गंगा पार में, तिलकपुर दीरा। हाँ, तिलकपुर दीरा में। किससे मार हुआ? शंभू शरण, 3 भाई, उसका 3 लड़का था, यही सब था।
और दोनों आदमी में लाठी जम के चला, और जम के चलने के बाद दोनों तरफ से चार आदमी घायल हम लोग हुए। हम लोग थाना में आवेदन भी दिए, आवेदन देने के बाद अभी तक तो कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं। और ऊपर से जो है आईओ अनीश बिहारी जो है थाना का, वो जो है कुछ लगता है कि पैसा का लेन देन करके गलत गवाह तैयार कर दिया है, और गलत गवाह तैयार करके हम लोग को आरोपी ठहरा। किसको गवाह? भागलपुर नागरिक विकास समिति की ओर से नाथनगर स्थित नरगा में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा करीब 300 रोगियों की जांच और इलाज की गई। इस दौरान शिविर में पहुंचे मुख्य अतिथि सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने संस्था द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और नागरिक विकास समिति वास्तविक रूप में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है, जिसका लाभ कई जरूरतमंद और गरीबों को मिलता है। वहीं शिविर आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा कि मेडिकल कैंप में फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, शिशु रोग, डेंटल और नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवा देते हुए रोगियों की जांच की, जबकि इस दौरान मरीजों के बीच निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। इधर समिति के सलाहकार रमन कर्ण ने कहा कि मेडिकल कैंप को सफल बनाने में चिकित्सकों के अलावा कई वार्ड पार्षद, समिति के सदस्य और शहर के बुद्धिजीवियों के अलावा आम लोगों की अहम भूमिका रही, और आगे भी समाज के हित में संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर की ओर से आगामी 4 से 6 नवंबर तक भागलपुर कला केंद्र परिसर में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव के 10वें आयोजन को लेकर भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक जय प्रभा मार्ग गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। बैठक में महोत्सव से संबंधित विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श के बाद कई निर्णय लिए गए, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व के आयोजन की तरह इस वर्ष भी अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म एवं राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रम के प्रस्तुति की बात कही गई। इसको लेकर कार्यक्रम निर्देशक कपिल देव रंग ने बताया कि रंग महोत्सव कार्यक्रम में बहुभागीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला एवं रंग जुलूस, सांस्कृतिक शोभा यात्रा की जीवंत प्रस्तुति होगी, जिसके लिए भागलपुर और आसपास के अलावा देश के कई अलग अलग राज्यों से भी कलाकार और नाट्य टीम भागलपुर आएंगी। बैठक का संचालन डॉक्टर जयंत जलद ने किया। मौके पर समिति से जुड़े काफी लोग मौजूद रहे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन ने की। बैठक में सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, जिलाधिकारी अमित राज, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार यादव और उप मुख्य पार्षद नीलम देवी ने भी पूजा की तैयारी को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। वहीं दुर्गा पूजा समिति के सदस्य और विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों और पार्षदों ने भी शांतिपूर्ण माहौल में पूजा सम्पन्न कराने की बात कही। इस दौरान 15 से 24 अक्टूबर तक शांति एवं सौहार्द के वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया, जबकि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर चर्चा की गई। इधर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न करने के लिए डीजे पर बैन लगाने के साथ अश्लील गाना बजाने पर पूजा समिति के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों के तैनाती की व्यवस्था करने की बात कही गई है। मौके पर SI अशोक सिंह, महेश दास, नटबिहारी मंडल, अफरोज आलम सहित काफी संख्या में शांति समिति के सदस्य और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद थे। थाना परिसर में प्रशासनिक पदाधिकारियों सर के समक्ष के साथ थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में, जनप्रतिनिधि महोदय की उपस्थिति में शांति समिति की मीटिंग की गई। सभी लोगों ने पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया। किसी प्रकार का कोई मतभेद कहीं नहीं देखा गया, तो इस परिस्थिति में तो अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा समापन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी रहेगी कि हर चप्पे चप्पे पे CCTV की निगरानी रहेगी, सिविल में लोग रहेंगे, पुलिस वाले दंडाधिकारी रहेंगे, हर पंडाल में पुलिस पदाधिकारी रहेंगे, महिला पुलिसकर्मी भी रहेगी, असामाजिक तत्वों को थोड़ा भी ढील ना दिया जाएगा।
भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कुमेठा पंचायत की मुखिया पायल शर्मा द्वारा किए गए अच्छे कार्य को लेकर जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास के द्वारा पायल शर्मा को अंगवस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास ने बताया कि पहली बार कुमेठा पंचायत में अनुसूचित जाति की युवती मुखिया बनकर चुनी गई है और अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कई विकास कार्य भी किया है जो सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्य के प्रति लगन देखकर ही मुखिया पायल शर्मा को जदयू पार्टी से जोड़ा गया है, जिससे आम लोगों के अलावा पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा। मौके पर जदयू के कार्यकर्ता मौजूद।